और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, क्या क्या नहीं मिलती हैं, सब बता देता हूँ। तो ये हो गया जब अपन कोई पैकर्स की कंपनी से अपन बुक करके आते हैं, कहीं से भी, बैंगलोर से या आसपास से कहीं से भी। अब बताता हूँ कि अगर आप अपने व्हीकल्स आ रहे हैं, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, रहने खाने, ट्रैवल, ट्रैक, गाइड, टिकट्स, सारी हेल्प हो जाएगी। थोड़ी और एडवाइस चाहिए तो मैं, आप मेरा ब्लॉग देख लेना। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, इट्स पीयूष एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप भी मेरी तरह मस्त होंगे। और आज है अपना डे 3 कुद्रेमुख ट्रिप का, और कल अपन ने ट्रैक करा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं सोचा कि आपको बता देता हूँ कुद्रेमुख ट्रैक पे कल क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, और कैसे आपकी कुद्रेमुख की ट्रैक सिंपल हो सकती है, और ट्रिप भी, मतलब पूरा प्लान मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि मैंने कैसे किया था, और आप वो ट्राई कर सकते हैं अगर आप सोलो जा रहे हैं या ग्रुप के साथ जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, क्या क्या नहीं मिलती हैं, सब बता देता हूँ। मैं एक एडवाइस दूंगा कि एक कोई थोड़ा सा ट्रैक कर लेना जिससे आपको एक आइडिया रहे कि क्या फ़ेस करने वाले हो, और क्या फ़ेस करने वाले हो उसका तो आपको आइडिया लगा ही सकते हैं कि 22 किलोमीटर्स एक दिन में कंप्लीट करना, एक दिन भी नहीं होता यार अपने पास, आई थिंक मैक्स टू मैक्स 7-8 घंटे में कंप्लीट करना होता है। उसमें मैं आपको ब्रेक लेना है, उसी में खाना है। मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ कि एक छोटी सी कोई ट्रैक करके देख लेना, ठीक है। कुद्रेमुख ट्रैक पे आए हुए हो तो सबसे पहले आपके दो ऑप्शन है, या तो किसी भी ट्रैकर्स, जैसे बहुत सारे, मतलब उनको बस कॉन्टैक्ट करना है, एक पैकेजेस हो गए वो सेलेक्ट कर लो, फिर वो आपको वहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे ट्रैवलर में, यहाँ पर आपका स्टे रखेंगे टेंट में, मोस्ट प्रोबेबली टेंट में ही होता है, तो आपको टेंट में मैनेज करना पड़ेगा। सब शेयरेबल वॉशरूम्स होते हैं, इंडिपेंडेंट मिलना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद अपना ट्रैक होगा, ट्रैक के लिए आपको जीप में ले जाएंगे, आई थिंक एक जीप में, बहुत बड़ी जीप होती है महिंद्रा की, तो उसमें अप्रॉक्स 10 या 12 लोग अलाउ करते हैं, तो वो सारे आपको फिर ऊपर टिकट काउंटर के ले जाएंगे। टिकट काउंटर के बाद आपका जो गाइड होगा, जो आपका ग्रुप होगा, वो आपको पूरा पीक तक ले जाएगा, सबमिट करने के बाद वापस आपको आना होगा। वो ग्रुप आपको आई थिंक 6:30 तक मैक्स वापस ले आएंगे इवनिंग में। तो होगा क्या कि इसमें आपके जो भी कंपनी है जिससे भी आप ट्रैकिंग का करवा रहे हो, तो वो आपको पूरा आपका रहने का यहाँ पे एक दो दिन का आई थिंक होगा, क्योंकि आप वापस तो जा नहीं सकते ट्रैक के बाद, इतनी हालत नहीं होती, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, उनके खाने पीने का आपका सारा वो सेटल कर लेंगे, और सब कुछ आराम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको बस ट्रैक करना है, आपको बीच बीच में खाने पानी का मिलता रहेगा, और उसके बाद आपको वापस आना है, आपका स्टे रहेगा, टेंट रहेगा, सब कुछ रहेगा, उसके बाद वापस आपको ले भी जाएंगे। तो ये हो गया जब अपन कोई ट्रैकर्स की कंपनी से अपन बुक करके आते हैं, कहीं से भी, बैंगलोर से या आसपास से कहीं से भी। अब बताता हूँ कि अगर आप अपने व्हीकल्स आ रहे हैं, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। जब आप अपने टू व्हीलर से या फोर व्हीलर से आ रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको कम से कम 10 दिन पहले बुकिंग करनी है। बुकिंग करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो आप एयरबीएनबी वगैरह में देखो, कोई होम स्टे मिल जाए, कोई जगह मिल जाए। तो एक चीज़ बता देता हूँ कि जो कुद्रेमुख ट्रैक है वो कुद्रेमुख में नहीं है, कुद्रेमुख और समसी एक जगह है, समसे वहाँ से अप्रोक्स 2 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं जैसे समसे में रुका हुआ हूँ, यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा होम स्टे मिल गया, मैंने भी गूगल से सर्च करा था, क्योंकि एयरबीएनबी फुल बता रहा था, कहीं कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था, जो मिल रहा था वो लाइक ट्रस्टेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि रिव्यू नहीं, रेटिंग नहीं, तो मैं सोचा यार क्यों फालतू का लेना। फिर मैं गूगल पे देखा, गूगल पे मुझे ये मिल गया, मैं सारी डिटेल्स, ट्रैकर्स का नंबर, जिसने मेरी हेल्प करी, जिसने अरेंजमेंट करा होम स्टे, सबको डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जब आपकी सारी बुकिंग्स हो गई, आपने कंफर्म कर लिया, उसके बाद जब आपसे राइडिंग के लिए एडवाइस कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा रास्ता, इन्जॉय करो, बट ये है कि कलसा के बाद थोड़ा लाइक जो लास्ट के 10-15 किलोमीटर हैं वो थोड़ा देख के चलाएं, क्योंकि बहुत सीनिक व्यू है, बट रोड छोटी है और टर्न्स बहुत ज़्यादा, हिली एरिया पूरा, तो आराम से देख के चलाएं। तो फिर आपकी ट्रैक शुरू होगा नेक्स्ट डे, आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे होम स्टे वालों से पूछ सकते हो कि मेरे को ऐसे ऐसे ट्रैक जाना है, तो मैं किससे बात कर सकता हूँ, वो आपकी मदद कर देंगे। और अगर उनको आइडिया नहीं हो तो आप थोड़ा बहुत आसपास घूमना, यहाँ पे जहाँ पे आपको जीप खड़ी मिल जाए बहुत सारी, मतलब समझ लेना कि वो है, उसकी जुगाड़ है, तो वो आपको पहुंचा देगा। मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आओ स्टे बुक करके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल कर लेना, पूरी हेल्प करेगा, रहने खाने, ट्रैवल, ट्रैक, गाइड, टिकट्स, सारी हेल्प हो जाएगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जब आप यहाँ पे आ गए हो, आप या तो अपने स्टे पे रुके हो तो आपके बैकपैकर्स वाले या जो ट्रैकर्स की कंपनी है वो आपकी मदद कर देंगे,
और वरना आप अगर खुद से आए हो यहाँ पे पता करना है तो चाहो तो आप मेरे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे रहा हूँ आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करो। तो आप अगर चाहो तो एक ऑप्शन है कि आप आसपास घूमो, वहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और उनके कॉन्टैक्ट से आप जा सकते। तो जब आपकी ट्रैक स्टार्ट होगा, सारी बुकिंग्स हो गई, नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी ट्रैक स्टार्ट होती है 7:30 से, तो 7:30 to 9:30 सारे जितने भी ग्रुप्स होते हैं, आई थिंक अप्रॉक्स वीकेंड पे जा रहा तो 1000 के आसपास लोग चलते हैं एक साथ में, तो सारे ग्रुप आपको जीप एक ट्रैकिंग पॉइंट पे लाएगी जहाँ टिकट वगैरह मिलता है। उसके बाद आपकी ट्रैक शुरू होगा जो कि वन साइड 11 किलोमीटर्स का है। हाँ, 9 लिखा रहता है वह, बट वो 11 है, मैंने पूरा नोट किया है, आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। तो वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा, बहुत मज़ा आने वाला है ट्रैक में। बस कुछ चीज़ याद रखना कि लीचेस वगैरह का कुछ इशू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस याद रखना कि एक पानी की बॉटल ले लेना, और खाने के लिए तो आपको ट्रैक वाले इंतज़ाम कर देंगे। फिर भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लेके जाना है, जूस वगैरह, तो प्लास्टिक के पैकेट्स फ्री, अपने एक बॉटल ले लेना, उसमें भर लेना। और कुछ खाने का भी है तो आप बॉक्स में ले जा सकते हो, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए बस, वरना वो चेकिंग में ही आपको बाहर कहेंगे या तो आप खा लो या तो आपको फेंकना होगा। तो ट्रैक के लिए आपको कुछ चीज़ है, जैसे आप स्पोर्ट्स शूज़, या स्पोर्ट्स शूज़ तो एटलीस्ट पहनना, या तो रनिंग शूज़ हो, कोई भी चलेगा, वरना आप स्लीपर या सैंडल में जाओगे तो वो टूटने का पूरा चांसेस है। बाकी तो बहुत मज़ा आने वाला है ट्रैक पे, पानी आपको वाटरफॉल्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप भर सकते हो आराम से, सब पीते, बस रनिंग वाटर भरना, ये मत भरना कि नीचे पड़ा हुआ है, तो वो भाई वहाँ पे स्पाइडर्स वगैरह कीड़े वगैरह रहते हैं तो वो कंटेमिनेटेड होता है, उधर से पानी मत पीना, जो रनिंग हो वो आपको मिलेगा, सब वहीं से भर रहे होंगे, वहाँ से आप पी लेना। और पूरे रास्ते आपके साइड गाइड रहेंगे, आपका ट्रैक लीड रहेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप आराम से जा सकते हो, रास्ता ईजिली मिल जाएगा। बस हाँ, कहीं कहीं बीच में स्ट्रीप मिलेगा तो आप क्रॉस लेग करके चढ़ सकते हो, उतर सकते हो अगर आपको नहीं समझ पा रहा। और थोड़ी और एडवाइस चाहिए तो मैं, आप मेरा व्लॉग देख लेना, मैंने उसमें जब ट्रैक किया था तो मैंने पूरा कोशिश करी कि आपको हर एक एक्सपीरियंस कराऊं और सारी आपकी हेल्प मिल जाए जितना हो सकता है ट्रैक के लिए। तो चढ़ने में तो बहुत मज़ा आएगा, पूरे रास्ते आपको पूरा डेंस फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स, और कई जगह थोड़ा बहुत स्लीप भी मिलेगा, बट ठीक है, 4-5 जगह मिलेगा बस, वो तो आप मैनेज कर लेना। बीच बीच में रुक सकते हो, क्योंकि चढ़ने में आई थिंक अप्रॉक्स 4 आवर्स लगेगा, उतर तो आप जाओगे 2.5 घंटे के अंदर। तो जब आपका पूरा ट्रैक कंप्लीट हो जाए, नीचे आपको जीप वापस लेके आ जाएगी। बाकी ये मेरी टिप्स थी, आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। अभी अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप मेरा व्लॉग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अब मैं निकलता हूँ वापस बैंगलोर, बाकी नेक्स्ट वीकेंड फिर मिलते हैं कहीं ना कहीं मस्त जगह पर, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।